आपका हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स के बारे में। इंग्लिश में बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत सिंपल भी है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट्स को हम पार्ट्स में ही पढ़ेंगे, जिस तरीके से हमने पैसिव और रिपोर्टेड स्पीच पढ़े, अलग अलग वीडियोज आएंगी। आज मैंने केवल चार ही लिए हैं, चार डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स वे शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के आगे जुड़कर उसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं, उसे निर्धारक बोलते हैं इसको, स्थिति के निर्धारित, सॉरी प्रीपोजिशन करते हैं मतलब, लेकिन डिटरमिनेंट्स होते हैं वो निर्धारक बोलते हैं इनको, मतलब उसकी उसको निर्धारित करना कि कितना है कितनी है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, जो हमारा पहला डिटरमिनर, सम, कुछ, इसका अर्थ होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूटिलाइज होता है। रिक्वेस्ट के सेंस में अधिकतर यूटिलाइज किया जाता है और पॉजिटिव सेंस देता है ये। एग्जांपल मैंने एक ही लिया है, ज़्यादा अपन, सॉरी दो लिए हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आई विल बाय सम बुक, मैं कुछ किताबें खरीदूंगा, तो ये बुक्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन के लिए भी होता है और सिंगुलर के लिए भी हो जाता है। कैन यू गिव मी सम फूड, तो सम फूड, फूड एक फूड, दो फूड, तीन फूड, ऐसे गिन नहीं सकते, खाना क्वांटिटी में होता है। कैन यू लेंड मी सम रुपीज़, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, ये इसका एक दूसरा उदाहरण। एनी मीन्स होता है कोई या कुछ, एनी नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है इसका। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए, दोनों के लिए प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस देता है, जैसे ये रहा, हैव यू एनी नोवेल, क्या तुम्हारे पास कोई नोवेल है, और आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है, और ही इज़ पुअर सो ही हार्डली बाइज अ कार, सॉरी एनी कार, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेज अपन, इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं एनी के। मैनी मिस होता है कई, एक चीज़ लिखना भूल गया मैं, वन टाइप, सिंगल टाइप, एक ही प्रकार की केवल, उसके लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है। नंबर संख्या के लिए होता है, और विद हाउ, हाउ के साथ जब मैनी आता है तो वो प्रश्न पूछने के सेंस में आता है, जैसे हाउ मैनी कार्स डू यू हैव, आपके पास कितनी कार्स हैं। और सिंगल टाइप का क्या है, आई हैव मैनी बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो ऐसे अगर वो टू टाइप में हुई तो हमारा एक और है सेवेरल, और उसके बाद में फिर एक और है, अगर मोर देन टू टाइप हुई तो वेरियस, पढ़ेंगे उन सब के बारे में भी। और नेक्स्ट है मच, मच का मतलब होता है अधिक, क्वांटिटी के लिए मात्रा सूचक होता है, ये संख्या सूचक होता है मैनी, ठीक है, अधिक के अर्थ में। और वही हाउ के साथ इसका यूटिलाइजेशन होता है प्रश्न पूछने के लिए, जैसे हाउ मच मिल्क डू यू टेक डेली, आप एक दिन में कितना दूध लेते हो। तो ये छोटा सा, मैंने आपको चार लेंगे। देखो होता क्या है कि अपन शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो आराम से ज़्यादा रीच पे जाएगी वो, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, ऑडियंस शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा देखती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बोरिंग हो रहे हो बड़े वीडियो में। तो प्लीज़ हमने कोशिश की है, इसे देखें दो बार तीन बार, रिपीट करें, आराम से क्लियर अप हो जाएगा आपका ये टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।